आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की डेली करंट अफेयर सीरीज़ में हम लोग आज 31 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस मंथ की ये वाली लास्ट वीडियो है और प्रिलिम स्पेसिफिक की जो सीरीज़ है वो भी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020। और जो लोग मंथली कंपाइलेशन पूछते रहते हैं उनको मैंने बता रखा है कि मंथली कंपाइलेशन की हम लोग सीरीज़ नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो डेली न्यूज़ का जो कंटेंट होता है वही एग्जैक्टली सेम टू सेम मंथली कंपाइलेशन होता है, सिर्फ सीक्वेंस का फ़र्क होता है। यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर सीक्वेंस होती है, वहाँ पर GS 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस से कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं अनटिल और अनलेस आपको टॉपिक की नॉलेज ना हो। जब आपको टॉपिक की नॉलेज होती है तो आप सीक्वेंस ऑटोमेटिकली अरेंज कर पाते हो। सो आप लोग डेली वाली जो न्यूज़ होती है उसी की प्लेलिस्ट को यूज़ कर सकते हो अपनी मंथली कंपाइलेशन के तौर पर। ठीक है, 31 अगस्त का स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट सेक्शन में एक डाउट आया था, वो मैं इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। और उससे पहले हम लोग 29 अगस्त का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 30 अगस्त को संडे था। 29 अगस्त को हमारे पास 7 टॉपिक्स थे, तो देख लेते हैं। महात्मा अय्यंकली की 157th बर्थ एनिवर्सरी थी 28 अगस्त को। उनका बर्थ हुआ था 1863 में 28 अगस्त को। एक विलेज है जो प्रिंसली स्टेट था त्रावणकोर का, आज की डेट में जो साउथ ऑफ केरला में है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन्होंने बहुत सारी एंटी कास्ट मूवमेंट्स चलाई थी। महात्मा गांधी ने अय्यंकली को पुलिया किंग का टाइटल दिया था और इंदिरा गांधी ने उनको डिस्क्राइब किया था एज इंडियाज ग्रेटेस्ट सन। उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, किस तरीके से उन्होंने अनटचेबिलिटी को और जो राइट्स थे माइनॉरिटीज़ वगैरह के उनको प्रेजेंट किया था। और उनके जो गुरु थे वो थे श्री नारायण गुरु, एक सोशल रिफॉर्मर थे एजवा कास्ट से। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ रूल्स हैं, उनको पास किया गया है। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुछ रूल्स बताए गए हैं, प्रेजिडेंट के क्या रोल होगा वहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको लीड करेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनका क्या रोल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरीके से पावर रहेगी। बैकग्राउंड की बात करें तो लास्ट ईयर अगस्त 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया था और उसके बाद इसका बाइफर्केशन हो गया था। तो बाइफर्केशन का मतलब उनको जो स्टेटस था पहले स्टेट का जम्मू एंड कश्मीर का, उसको डिग्रेड करके इनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया था। तो तब से वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो उसको एडमिन कर रहे हैं। अभी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स आए हैं उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है और जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ एक ऑर्नामेंटल फिगर की रह गया, यानी कि एक ऑर्नामेंटल मतलब एक सजावटी वस्तु की तरह रह गया है सिर्फ। स्टेट की पावर क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, UGC की गाइडलाइंस को ओवरराइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर होती है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसका यूज़ करके UGC की जो पावर्स, UGC की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको ओवरराइड कर सकता है। UGC ने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए एक गाइडलाइन दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस डिजास्टर मैनेजमेंट में हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो स्टेट्स के पास पावर है, अगर उनको लगता है कि उनके पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं किया जा सकता तो वो UGC की जो गाइडलाइंस हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो बच्चों का, कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो आप पास प्रमोट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन फाइनल ईयर के लिए आप कंडक्ट कर रहे हो एग्ज़ाम्स, ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है, ये इसकी पावर आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर नहीं आती हैगी। तो स्टेट्स ने ये बोला है कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद उनका एक करियर अप्रोच होती है, करियर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से एक नई डायमेंशन ओपन होनी होती है, तो उनका असेसमेंट होना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नेक्स्ट कॉलेजेस में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, फिर फर्दर कोई PhD के लिए जाएगा, तो उनके मार्क्स एलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो करंट असेसमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन उनका कोई प्रीवियस इंटरनल असेसमेंट हुआ उसके बेसिस के ऊपर उनको डिग्री देना। ये स्टेट्स ने अपना रीज़न दिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ था, इसी के अंडर हम लोगों ने NDMA बनाया था सेंटर लेवल के ऊपर, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट लेवल पर SDMA था जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर एक डाउट आया था कि टॉय ट्रेडर्स जो हैं क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर को सस्पेंड करना क्यों चाहते हैंगे। देखो, एक क्वालिटी कंट्रोल जो ऑर्डर आया था ना, ये फरवरी में आया था इसी साल, उसमें बोला ये गया था कि इंडिया के जो टॉय मटेरियल्स जो होते हैं ना, टॉय प्रोडक्ट्स जो होते हैंगे, पहली बात तो ये ग्लोबल लेवल के ऊपर इक्विटेबल नहीं होते, मतलब ग्लोबल जो सप्लाई चेन होती है ना उसके इक्विवल इन हमारे प्रोडक्ट्स होते नहीं हैं। तो हमको इनक्रेज करना था कि हमारे जो टॉय प्रोडक्ट्स होंगे इंडिया के, ये एक इंटरनेशनल लेवल तक भी सप्लाई हो सकें, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं इतने अच्छे। तो उनके लिए उनको क्या करना था कि उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आने थे,
ठीक है। प्लस में क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, वो जो इस टॉयज़ को यूज़ करते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनके वो लाइफ के लिए कुछ डेंजर तो नहीं हो सकता, कोई हजार्डियस चीज़ तो नहीं हो सकती है। तो उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्डर पास किए गए थे सेप्टेम्बर की, उसमें डेडलाइन दी गई थी, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करनी ही करनी होंगी। तो ये जो टॉय ट्रेडर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि इस तरह की जो डेडलाइन है ना, इसको अभी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, इस ऑर्डर को अगर सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, और अगर आपके क्वालिटी कंट्रोल को रेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा तो हम लोगों को अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह को शट डाउन करना पड़ेगा। ये न्यूज़ थी हमारी। यूरोपियन यूनियन ने अर्ज किया है टर्की को कि वो मेडिटेरेनियन के एरिया के अंदर जो ड्रिलिंग है उसको थोड़ा सा बंद कर दे। टर्की ने रिसेंटली जो हमारा मेडिटेरेनियन एरिया है यहाँ पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखो, टर्की ने यूएन क्लोज को तो साइन किया हुआ नहीं है, लेकिन टर्की और लीबिया जो है आपस में एक रिलेशन रखते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि मैरीटाइम एक रूट अपने डिफाइन किया हुआ है। इजिप्ट और ग्रीस जो है ये रिलेशन रखते हैं आपस में, तो इनके जो पाथ्स होते हैं मैच ये क्रॉस करते हैं। हालांकि टर्की जो है वो अपने जोन से बियॉन्ड जाकर भी ड्रिलिंग करता है, क्योंकि उसने यूएन क्लोज को साइन किया हुआ नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने किया हुआ है। तो जिन्होंने यूएन क्लोज साइन किया हुआ है उनकी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होता है। तो यही था कि यूरोपियन यूनियन ने बोला है टर्की को कि आप इस मेडिटेरेनियन एरिया के अंदर जो ड्रिलिंग है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तो आप पार्ट नहीं है इस ऐसे किसी लॉ का, तो कहीं ना कहीं आप वॉयलेट करते हैं बाकी लोगों के जोन को भी। अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। करंटली अगर देखें तो वाइल्ड पोलियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। स्प्रेड कैसे होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन इंसान होता है वो अगर उसके कारण कोई किसी के टच में आ जाता है तो ये चीज़ स्प्रेड हो जाती है, या फिर कोई एक्सक्रीशन वगैरह होता है उसके कारण ये स्प्रेड हो जाता है। एक स्कीम आई थी चुनौती, नेक्स्ट जनरेशन का एक स्टार्टअप चैलेंज है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका एम है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं ना उनके अंदर फर्दर बूस्ट करना। ये जो टीयर टू टाउन से इंडिया के अंदर कुछ 30 के आसपास स्टार्टअप्स जो वर्किंग है और आइडेंटिफाइड एरियाज़ में हैं उनको सीड फंडिंग दी जाएगी 25 लाख रुपए तक की, और बाकी फैसिलिटीज़ मिलेगी उन लोगों को, बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी स्टार्टअप्स के फंडिंग के अलावा। इंटर्नशिप के अंदर जो लोग होंगे उसमें 6 मंथ तक उनको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। मेंटरशिप, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग और IPR जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं और पेटेंट मैटर्स होते हैं इनके अंदर लीगल एडवाइजरी वगैरह एट्सेट्रा। 31 अगस्त को हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं। पहला ओनम, दूसरा PVTGs पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, फिर हमारा NRC है और NPR है, UN की गाइडलाइंस आई हैं किस तरीके से सोशल जस्टिस प्रोवाइड की जानी चाहिए डिसेबिलिटीज़ को, डिसेबल्ड लोगों को, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो इसका काफ़ी टाइम पहले लगाया गया तो उसमें कुछ अपडेट हैं, RORO सर्विस जो है ये साउथ वेस्टर्न रेलवे में स्टार्ट की गई है। तो पहला टॉपिक हमारा है वो आता है GS Paper 1 के अंदर, इंडियन कल्चर और उसके सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम्स ओनम फेस्टिवल के रिगार्डिंग। ओनम सेलिब्रेट किया जाता है चिंगम मंथ की बिगिनिंग के ऊपर। अभी चिंगम मंथ क्या होता है, ये जो हमारा सोलर मलयालम कैलेंडर होता है ना उसका फर्स्ट मंथ होता है, इसको कोला वर्षम भी बोलते हैं। ये अगस्त या सितंबर में आता है हर साल। ये फेस्टिवल 10 डेज तक चलता है और इसका जो लास्ट दिन होता है उस दिन थिरुवोनम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है। फेस्टिवल के बारे में जाने तो एक बहुत ही पॉपुलर लेजेंड है जिनको जिनकी मेमोरी के अंदर जिनको इमेजिन करके ये किया जाता है कि इस दिन किंग महाबली जो थे उनकी स्पिरिट जो है वो केरला को विजिट करती है ओनम के टाइम पर। प्लस में इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस टाइम पर पैडी का हार्वेस्ट होता है, पैडी मतलब चावल। सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, फेस्टिवल के टाइम पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ड्रेस्ड होते हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर के अंदर, ओनम साध्या को प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि रंगोली बनाई जाती है फ्रेश फ्लावर्स के साथ, इसको बोलते हैं पुक्कोलम, वल्लम कली होता है बोट रेस को बोलते हैं, पुल्ली कली टाइगर डांस को बोलते हैं, काई कोट्टू कली ओनम डांस होता है, कुमट्टी कली मास्क डांस होता है, और भी बहुत सारी ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अंदर, तो एक लिस्ट देख ही लेते हैं, पुली कली वलम कली ये सब तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है। हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग सीज़न के ऊपर भी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम का हार्वेस्ट सीज़न होगा। जैसे अक्षय तृतीया के ऊपर अक्त्रिज होता है ये वेस्ट इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, नुखाई होता है ओडिशा के अंदर जब नया राइस का सीज़न आता है, बोगाली बिहू असम में होता है, चावंकुट होता है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर होता है, दीपोली परबा होता है ये तुवला पीपल का होता है कर्नाटका का, द्री फेस्टिवल है ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है अरुणाचल
हिमाचल प्रदेश के एरिया का। गुड़ी पड़वा मराठी लोगों के लिए होता है। होली जो होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर होता है। जुड़शीतल होता है मिथिला रीजन, जो बिहार का रीजन होता है। लोहरी जो होता है ये पंजाब में होता है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। एक लिस्ट का आपको डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक नाम सुन देख करके अगर आपको मान लो ऑप्शन में आ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस स्टेट का है। विशु जो होता है ये केरला का होता है, ठीक है। अगेरा हो गया, उगड़ी हो गया तेलुगु पीपल का। ये न्यूज़ में रहते हैं, बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं, इनको सेलिब्रेट भी किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग प्रेसिडेंट वगैरह के ट्वीट्स आते हैं इन अच्छे फेस्टिवल्स के ऊपर। और तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम आपको याद रहे सबके एक एक बार एटलीस्ट। नेक्स्ट हमारे पास GS पेपर 2 के अंदर है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये हमारा टॉपिक आता है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, उनके मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेंक्शंस। न्यूज़ में क्यों है? जो ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है ना, जो कि एक नोटिफाइड PVTG है, इसकी पूरी पॉपुलेशन 56 इंडिविजुअल्स ही है। उसमें से 10 जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस टेस्ट का कोरोना मतलब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जो आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन है, अब ग्रेट अंडमानीज ट्राइब जो है ये अंडमान निकोबार में मिलते हैंगे, ठीक है। ये आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनकी टेस्टिंग्स को रैंप अप कर दिया है, बढ़ा दिया है। ओंगे, लिटिल अंडमानीज और ग्रेट अंडमानीज और जो जरावास ट्राइब हैंगे, ये वो ट्राइब्स हैंगे जो अंडमान रीजन के अंदर पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। अभी PVTGs होते क्या हैं? ये वो ट्राइबल ग्रुप्स हो जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, उनके अंदर जो और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो मोस्टली वल्नरेबल होते हैंगे, उनको या तो इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करनी होती है या फिर एक जगह पर अटक जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। लिटरेसी लेवल बहुत ही रो होता है। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले जिस तरीके से अपना गुजारा करते थे ना, उस तरह की लाइफ ही लोग जीते हैंगे। इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड होते हैंगे। रिमोट लोकेलिटीज़ का जनरली इनहेबिट करते हैंगे, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो ना के बराबर होता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया था? 1973 के अंदर देबार कमीशन था, उन्होंने PTGs क्रिएट किए थे। उसका बाद में रीनेम करके इसको PVTG कर दिया गया था। तो ये एक सेपरेट कैटेगरी थी जो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर ही जो बिल्कुल ही लेस डेवलप्ड थे ना, उनमें से था। फिर उसके 2 साल बाद 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था कि वो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई थी जिसको बुलाया गया PVTGs और डिक्लेयर कर दिया गया था 52 सच ग्रुप्स को। 1993 के अंदर इन्हीं 52 के अंदर 23 और ऐड कर दिए गए थे, जिसके बाद ये टोटल 75 PVTGs बन गए थे, जो कि इंडिया के टोटल 18 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान निकोबार है। ये जो डेटा है हमारे पास ये 2011 के सेंसस का है। ये जो 75 लिस्टेड PVTGs है ना, ये हाईएस्ट नंबर इसमें से ओडिशा में है, 13 वहाँ पर मिलते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 मिलते हैं। 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PTGs को रीनेम करके PVTGs कर दिया था। इनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स क्या क्या हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इम्प्लीमेंट किया एक स्कीम डेवलपमेंट ऑफ दीज PVTGs, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ इनके लिए है। इस स्कीम के अंदर कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट, उनके एनुअल प्लान्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, किस तरीके से वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी लाइवलीहुड के अंदर किस तरीके से सपोर्ट कर देंगे। प्रायोरिटी जो है वो असाइन की जाती है PVTGs को, जो स्कीम्स होती हैं अंडर स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम ग्रांट्स, ये आर्टिकल 271 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पर आती है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट इन एड दिया जाता है जो उन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनकी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो गर्ल्स होती हैं उन लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वहाँ पर भी जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का होता है। किसी भी पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप को अगर आपको PVTG डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर से भी पहले का जो चीज़ें थी उस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। उनकी पॉपुलेशन या तो बिल्कुल स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइन कर रही है। लिटरेसी बहुत ही लो है और इकोनॉमी सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर है। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब होता है कि सिर्फ गुजारा करने लायक है, सेविंग करने लायक या फिर इन्वेस्टमेंट करने लायक इकोनॉमी उनकी नहीं है, सिर्फ गुजारा होता है डेली का बस। इंडिया के अंदर PVTGs स्टेट विद हाईएस्ट नंबर, आर्टिकल 275 ओवरव्यू क्राइटेरिया, PVTGs फाउंड इन ANN, सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। NRC, ये वाला टॉपिक NRC है और इसका अगला जो टॉपिक है ये NPR है।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा मैं यहाँ पे, आपको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि एनआरसी और एनपीआर अपने आप में बहुत समय से न्यूज़ में रहा है, तो बच्चे बच्चे को भी पता है इंडिया के अंदर। हालांकि ऊपर ऊपर का आइडिया आपको ज़रूर दूंगा मैं, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जंप इन करेंगे क्योंकि फिर वो बहुत ही लेंथी हो जाता है। इट्स लाइक आर्टिकल 370 को एक्सप्लेन करना जो अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है, ठीक है ना। तो डिटेल में इतना गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से रखें क्योंकि देखो ये तो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना पड़ेगा डिटेल में, और डिटेल में यहाँ पर कितना गिवन है और मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, 1.5-2 घंटे से ऊपर की वीडियो जाएगी। तो ऊपर ऊपर से एक आइडिया ले लेंगे हम लोग, ठीक है। एनआरसी ये वेलफेयर स्कीम्स में आता है, जो ऊपर वाला हमारा सेक्शन था उसी सेक्शन के अंदर आता है। अभी कंटेक्स्ट क्या है, फाइनल लिस्ट जो है असम के एनआरसी की वो अपडेट हुई है, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था 31 अगस्त को लास्ट ईयर, लेकिन एक साल के बाद तक जो प्रोसेस है उसके अंदर ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। यानी कि 31 अगस्त को लास्ट ईयर को अपडेट किया गया था, उसके बाद अभी तक एक साल तक उस अपडेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। असम के जो टोटल पॉपुलेशन है 3.3 करोड़, उसमें से 19 लाख एस्पिरेंट्स थे जो उस लिस्ट से लेफ्ट आउट हो गए थे, तो ये अभी तक अपनी अपील फाइल नहीं कर पाए क्योंकि इन लोगों को रिजेक्शन स्लिप्स नहीं मिली हुई हैं। रीज़न क्या है इस डिले का रिजेक्शन स्लिप्स ना मिलने का, क्योंकि COVID-19 का क्राइसिस आ गया और असम के अंदर फ्लड्स भी आ गए थे। रिजेक्शन स्लिप्स क्या होती हैंगी, वो लोग जो एनआरसी की लिस्ट से लेफ्ट आउट हो जाते हैंगे उनको एक रिजेक्शन स्लिप्स दी जाती हैं, ताकि वो फॉरनर ट्रिब्यूनल में जा कर के, जो कि एक कौसे जुडिशियल बॉडी होती है जो डिसाइड करेगी कि इनके जो सस्पेक्टेड फॉरनर्स हैं इनका क्या करना है। स्लिप के अंदर मैंशन होता है कि इन लोगों को क्यों एक्सक्लूड किया गया है, और स्टेट का जो एनआरसी ऑफिस होता है वो इन रिजेक्शन स्लिप्स को इशू करता है। एनआरसी एक लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स है जो 1951 में प्रिपेयर की गई थी, जब 1951 का सेंसस हुआ था। जो प्रोसेस है एनआरसी के अपडेट का, ये असम के अंदर लिया गया था, एक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2013 का। तो कुछ इलीगल माइग्रेंट्स थे बांग्लादेश के और बाकी जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं आसपास के वहाँ से, तो इनको हटाने के लिए हम लोगों ने एनआरसी किया था, क्योंकि असम के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी 1971 का, जो स्पेशली जो वॉर हुआ था ना उसके बाद बहुत सालों तक वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे कि बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश वगैरह के एरिया से वहाँ पर आ गए हैं और उन लोगों को निकाला जाए। तो एनआरसी का जो अपडेशन है ये आता है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो फ्रेम किए गए थे हमारे असम अकॉर्ड के अंदर, जो कि 1985 में साइन किया गया था। रिलेशन क्या होता है सेंसस का और एनपीआर का, देखो एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सेंसस में और एनपीआर में ये डिफरेंस होता है कि एनपीआर के अंदर बेसिकली आपका ये लिखा जाएगा कि भाई ठीक है आपका नाम ये है, आप इस जगह रहने वाले हो, ओके, और आप पर्टिकुलर आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल, इस टाइप का होता है। सेंसस के अंदर गवर्नमेंट एक तरीके से उसको थोड़ा डिटेल में जाती है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, रिलीजन्स कितने चल रहे हैंगे, कितनी ग्रोथ रेट चल रही है, कि पॉपुलेशन का ग्रोथ किस एरिया में हो रहा है, कौन से स्कीम कहाँ इंप्लीमेंट की गई थी उसका कितनी ग्रोथ है हुई है, कौन सी स्कीम फेल हुई थी। तो सेंसस एक तरीके से गवर्नमेंट की अपनी गवर्नेंस को चेक करने का तरीका होता है। एनपीआर एक रजिस्टर होता है, पॉपुलेशन का बेसिक डेटा रखा होता है उसके अंदर। एनपीआर तो मैंने आपको बताया दी, एनआरसी आपको पता चल गया। एनआरसी कैसे रिलेटेड असम अकॉर्ड के अंदर, देखो 1985 में जब असम अकॉर्ड साइन किया गया था ना, तो उसमें बताया गया था कि भाई कौन से डेट तक की जो पॉपुलेशन होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, उसके बाद के जो भी लोग असम के अंदर आए होंगे उन जिन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा, या फिर उनको डिटेन करेंगे, या फिर कुछ किया जाएगा उनका। तो असम अकॉर्ड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको बोलते हैं क्लॉज 5, उसके अंदर इस डेट को फिक्स किया गया था। कॉन्सर्वेशन प्रोविजन क्या है, जहाँ पर ग्रांट करते हैं, रिवोकेशन करते हैं सिटीजनशिप का, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों ने जो लोगों ने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना, पॉलिटी के अंदर बिल्कुल पार्ट 1 में हमारा सिटीजनशिप आता है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ठीक है। तो ये वहाँ डिटेल में पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। सेंसस कौन करता है, होम मिनिस्ट्री करती है। रिजेक्शन स्लिप्स कौन इशू करता है, देख लिया। फंक्शन ऑफ फॉरन ट्रिब्यूनल्स वगैरह, ये जो जजेस वगैरह होते हैं, ये सब बहुत डिटेल के टॉपिक्स होंगे एनआरसी और एनपीआर के। यहीं पर एनपीआर भी आ गया। एनपीआर एक रजिस्टर होता है यूजुअल रेजिडेंट्स का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट होता है जो हमारा 1955 का, उसके अकॉर्डिंग देखो ये तो बहुत मैंडेटरी होता है। ऑब्जेक्टिव होता है एक आइडेंटिटी का डेटाबेस बनाना। इसमें यूजुअल रेजिडेंट की डेफिनेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअल रेजिडेंट को डिफाइन किया गया है एनपीआर के पर्पज़ के लिए, एक पर्सन जो रिजाइड करता है एक लोकल एरिया के अंदर, पिछले छः महीने से आप वहीं पर रह रहे हो, प्लस में आपके इंटेंशन है कि अगले 6 महीने भी आप वहीं पर रहोगे, आप वहाँ के यूजुअल रेजिडेंट डिफाइन कर दिए जाते हो। कंट्रोवर्सी क्या है, वो बोला जा रहा है कि ये एनआरसी के बाद आ रहा है जिसमें लैक्स ऑफ पीपल को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है आपको यहाँ पर पर्सनल रेजिडेंट्स का, फिर कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से इस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को आप प्रोटेक्शन दोगे। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं एनपीआर के और एनआरसी के, इसी को लेकर सीएए भी आया था। तो पता होगा, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार डिस्कशन में रहा है बहुत महीनों तक।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दोबारा पूछ लिए गए हैं, एनपीआर डेटा, यूजुअल रेजिडेंट, एनपीआर, एक्वायर सिटीजनशिप, इंडियन होल्ड, ड्यूअल सिटीजनशिप इंडियन होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, यूएन की गाइडलाइंस क्या हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं इनको सोशल जस्टिस मिले, दीज आर द इशूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। कंटेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक पहली बार एक ऐसी गाइडलाइंस रिलीज़ की है कि किस तरीके से वो लोग जो डिसेबल्ड हैं उनको सोशल जस्टिस में एक्सेस मिलेगा, ताकि उन लोगों के लिए एक्सेस करना सिस्टम को ईजी हो जाए। इस गाइडलाइन में उन्होंने 10 प्रिंसिपल बताए डिटेल के अंदर, क्या 10 प्रिंसिपल आपके यूज़ के हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर प्रिंसिपल का नाम याद रखना पड़ेगा, आप इतना कह सकते हो कि यूएन ने जो 10 प्रिंसिपल यूज़ किए थे उसमें ये मेंशन किया गया पर्टिकुलर बात किसी पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए। पहले प्रिंसिपल में उन्होंने बोला है कि ये जो डिसेबल्ड लोग होंगे इनके पास एक लीगल कैपेसिटी होगी, ठीक है ना, इनको किसी भी तरीके का जस्टिस की जो फैसिलिटी है वो डिनाई नहीं की जाएगी, इन लोगों को इक्वल एक्सेस मिलेगा जस्टिस के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा डिसेबिलिटीज़ के बेसिस के ऊपर। इसके अंदर जो बच्चे भी होते हैं छोटे, ठीक है ना, जो चिल्ड्रन होते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके पास भी राइट होता है कि उनको प्रोसीजरल अकोमोडेशन प्रॉपर मिले। फोर्थ में उन्होंने बोला है कि इनके पास एक्सेस होता है लीगल नोटिसेस और इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको टाइमली और एक्सेसिबल मैनर के अंदर वो प्रोवाइड की जाए इक्वल बेसिस के ऊपर। दे आर ऑल एंटाइटल्ड कि इनको सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल सेफगार्ड मिलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर इक्वल बेसिस के ऊपर, जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो भी सेफगार्ड्स मिलते हैं बाकी लोगों को वही इनको मिलने चाहिए। इन लोगों के पास राइट होता है कि ये इनको फ्री और अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का जो राइट होता है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इक्वल बेसिस के ऊपर ही, ठीक है, ये लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट भी कर सकते हैं जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा होता है। दे कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग द एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन, यानी कि दूसरे लोगों को भी सेम एक्सेस प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं ये। एंड इनको अवेयरनेस रेजिंग के लिए इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए जाने चाहिए जहाँ पर जो राइट्स हैं इनके अगर कहीं वॉयलेट हो रहे हैं तो इनको जस्टिस का एक्सेस ईजिली मिल जाए। यूएन ने डिफाइन कैसे किया है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, देखो ये डेफिनेशन है, ठीक है, एक ऑफिशियल डेफिनेशन है और अगर आपका मेंस का आंसर आता है कहीं क्वेश्चन आता है वहाँ पर ऐसी डेफिनेशन लिखना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प करेगा। यूएन का जो कन्वेंशन है ना राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये अडॉप्ट किया गया था 2007 में, ये पहला ऐसा मेजर इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन राइट्स का अपनी 21st सेंचुरी का। इस डेफिनेशन को मैं रीड कर दूंगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एक ऑफिशियल डेफिनेशन है, ऐसी डेफिनेशन की आपको वर्ड टू वर्ड लिखने होते हैं और आपको लिखना होता है एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज हु हैज़ लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट्स विच इन इंटरेक्शन विद द वेरियस बैरियर्स मे हिंडर देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि इफ़ समबडी इज़ नॉट एबल टू, किसी की आँख खराब है, किसी का कोई सुनने की क्षमता नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब एक फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैंगी, इसके कारण आपको जॉब नहीं मिल पा रही हैगी, आपको सोशल जस्टिस का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, सोसाइटी के अंदर आपको अकोमोडेशन देने में प्रॉब्लम आ रही हैगी, एजुकेशन सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हैगी, हेल्थ सर्विस सेक्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हैगी, ठीक है, ऐसे किसी भी सेक्टर के अंदर आपके अगर आप डिसेबिलिटी को लेकर अगर आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा होता है वो होता है, ठीक है, इसलिए इनको ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, ऐसे कन्वेंशंस बनाए जाते हैं। तो ये डेटा काफ़ी अच्छा है यूज़ करने लायक, ठीक है। इंडिया के अंदर जो मेल्स हैं उसमें से 2.4% है जो डिसेबल्ड हैं और फीमेल्स जो हैं 2% है, फीमेल जो है ऑल सभी एज ग्रुप्स के 2% फीमेल हमारे पास यहाँ डिसेबल्ड है और 2.4। हालांकि अगर हम बात करते हैं इसी चीज़ के अंदर यूके की और यूएस की तो यूएस में 12.9% फीमेल्स हैं और 12.7% मेल्स हैं, तो यूएस के अंदर जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं वो कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ यूके के अंदर तो और भी ज़्यादा है, फीमेल्स 22.7% है और जो मेल्स हैं वो 18.7% हैंगी। डिसेबिलिटी के अंदर आपकी साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट भी होती है, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट भी होते हैं, यानी कि मानसिक रोग, मानसिक स्तर पर भी आपके अंदर कोई कमजोरी होती होगी, बोल नहीं पा रहे हैं आप, आपकी बॉडी में मल्टीपल इंपेयरमेंट्स हैं, सुनने की क्षमता नहीं है, आप में देखने की क्षमता नहीं है, यही सब आपकी डिसेबिलिटी कंसिडर की जाती है। जीएस पेपर 3 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना, टॉपिक कवर्ड अंडर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट फ्रॉम इट।
न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस स्कीम का एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, 6 साल हो चुके हैंगे। टोटल जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जो अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं वो 40.35 करोड़ हैं। रूरल एरिया के अंदर 63.6% की हैं और वुमेन की बात करते हैं तो 55.2% है। ये योजना क्या है? 2014 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तब इसे अनाउंस किया गया था। एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी कि ये इंश्योर करना कि लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस जो है वो मिल रहा है। इसमें बैंकिंग एक्सेस है, सेविंग्स का है, डिपॉजिट अकाउंट्स का है, रेमिटेंस का, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब एक अफोर्डेबल मैनर के अंदर ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं ये एक सिटीज़न जो इंडिया का वो एक्सेस कर पा रहा है। रेमिटेंस आप लोग समझते होंगे, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, आप इंडिया से बाहर जाके किसी कंट्री में अर्निंग करते हैं, वो जो भी पैसा वो आपके घर में आता है उसे रेमिटेंस बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक इंसान को ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है ना इनका एक प्रॉपर एक्सेस मिले अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग इसकी रीच को बढ़ाएं और इसको लोअर कॉस्ट के ऊपर सब प्रोवाइड करें। बेसिक टेनेट्स स्कीम के क्या हैं? वो लोग जिनका कोई बैंकिंग अकाउंट है ही नहीं उनको लोगों के बैंकिंग अकाउंट्स ओपन करना, ठीक है, जिसमें मिनिमल पेपर वर्क हो, जो KYC होता है, नो योर कस्टमर का जो प्रोसीजर होता है उसको रिलैक्स कर देना, ठीक है ना। कैंप मोड्स, कैंप्स लगा के लोगों के बैंक अकाउंट ओपन करना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्जेस वाले अकाउंट। बहुत सारे आप लोगों को अकाउंट होंगे बैंक के अंदर, आपको पता होगा कि आपको बैंक के अकाउंट में कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट सेव करके रखना पड़ता है और ये कुछ कंडीशंस होती हैं। इवन जब आप अकाउंट ओपन भी करते हो तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे मेरा जो बैंक का अकाउंट है, मेरा अराउंड 2006 बनवाया था, जब मैं स्कूल टाइम में था ना, तो मेरे दादाजी ने उस टाइम बनवा दिया था, तो मेरा स्टूडेंट अकाउंट है। तो मेरे अकाउंट के अंदर अगर जीरो पैसा भी हो जाता है तो मेरे अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस कंडीशन बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना, तो उन लोगों के लिए भी ऐसे कुछ जीरो बैलेंस के और जीरो चार्जेस के अकाउंट बनाए गए थे। इंडिजिनस डेबिट कार्ड इशू किए गए थे ताकि वो लोग इजीली कैश विड्रॉ कर सकें, ठीक है ना, और पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज दिया गया था उन लोगों को 2 लाख रुपये तक का। फंडिंग दी अनफंडेड, बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर द कंजम्पशन, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट मैं आपको नीचे बताऊंगा दोबारा से ताकि अच्छे समझ में आएगा। स्कीम जो है ये 6 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस मिले बैंकिंग सर्विसेज का, और बेसिक सेविंग्स अकाउंट जो है वहाँ पर एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो 10,000 रुपये तक की हर एक हाउस होल्ड के अंदर। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो है यहाँ पर हम लोग सेविंग्स को प्रमोट करें, ATMs का यूज़ कैसे करना ये प्रमोट करें, क्रेडिट के लिए रेडी होना, इंश्योरेंस और पेंशंस को अवेल कर पाना, बेसिक मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे करना है बैंकिंग के लिए, एक क्रेडिट गारंटी फंड का क्रिएशन करना, ठीक है ना, ताकि बैंक्स जो हैं वो जो भी उनके डिफॉल्ट्स होते हैं बैंक के उनके अगेंस्ट एक गारंटी मिल सके, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, एक्सीडेंट कवर है वो 1 लाख रुपये तक का है, लाइफ कवर जो है वो 30,000 रुपये तक के, अकाउंट ओपन करना जो कि 15 अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 तक के बीच में थे उन लोगों की ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। पेंशन स्कीम थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर कुछ नए फीचर्स के साथ एक्सटेंशन हुआ है। फोकस जो है हम लोगों ने शिफ्ट किया कि हर एक हाउसहोल्ड को ना लेकर अब हर हाउसहोल्ड के अंदर अनबैंक्ड अडल्ट यानी किसी भी इंसान का जो एक अडल्ट है और उसका बैंकिंग अकाउंट नहीं है उसको टारगेट करेंगे हम, तो हमारा जो टारगेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रुपए कार्ड का इंश्योरेंस, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा रुपए कार्ड्स के ऊपर, वो इंक्रीज कर दिया गया था 1 लाख से 2 लाख, ठीक है, जिन्होंने अपने अकाउंट ओपन किए थे 28 अगस्त 2018 के बाद। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटीज़ थी, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि बेसिकली एक तरीके का लोन ही होता है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितना पैसा होता है ना उसके बेसिस के ऊपर आपको थोड़ा सा एडिशनल अगर विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। पहले उसकी लिमिट थी 5,000 रुपये, अब उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 10,000 रुपये कर दिया गया था, और उसमें से 2,000 तो ऐसे होते हैं आप बिना किसी कंडीशन के विड्रॉ कर सकते हो एडिशनल, जितना भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग्स होते हैं। अपर एज लिमिट जो थी ओवरड्राफ्ट के लिए, इसको 60 से 65 ईयर्स तक इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी स्कीम के बारे में, ये सब चीज़ें हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज के अंदर, RORO सर्विस फॉर द साउथ वेस्टर्न रेलवे। RORO का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आप रोड की सड़क पे चलने वाले जो व्हीकल्स होते हो और जो बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं इनको आप ओपन फ्लैट रेलवे वेगन्स के ऊपर यानी कि ट्रेन के ऊपर रख के जब आप इनको कैरी करते हो। तो पहली RORO सर्विस है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे की, ये स्टार्ट हुई है नीलमंगला जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ से लेके बाले जो कि सोलापुर के पास है स्टार्ट हुआ है। सोलापुर महाराष्ट्र की एक सिटी है, तो कर्नाटक से महाराष्ट्र के बीच में ये स्टार्ट हुआ है। ये अपने आप में ओनली प्राइवेट ऑपरेटेड ROR ट्रेन सर्विस है इंडियन रेलवेज का, ठीक है। ये इसमें कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट फीचर्स का रोड का और रेल ट्रांसपोर्ट का,
ताकि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसमें मिनिमम हैंडलिंग हो ट्रांसपोर्ट की और जो डायरेक्ट रेल लिंक है उसके फ़ायदे हों। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? पहली बात तो गुड्स का जो मूवमेंट होता है बहुत ही फास्टर हो जाता है, ठीक है ना। ट्रक्स को क्या करता है कि अलग अलग जगह से जाना पड़ता है, ठीक है, रोड्स का कंजेशन खत्म हो जाता है, प्रेशियस फ्यूल की सेविंग होती है, कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो ट्रक का जो क्रू होता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से, ठीक है। चेक पोस्ट और टोल गेट जैसा कोई हैसल नहीं करना पड़ता, ओके। और जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है रोडवेज़ की और रेलवेज़ की, इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट होता है वो एक ही जगह पर हो जाता है, अलग अलग जगह पर करना नहीं पड़ता। अन इंटरप्टेड सप्लाई होती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की। अगर हम इंस्टाफैक्ट की बात करें तो जो आरओआरओ सर्विस जो ट्रेन सर्विस है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन रेलवेज़ के अंदर कोंकण रेलवेज़ के ऊपर 1999 के अंदर, वो तब से ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो ये आपका प्रीलिम्स का ही टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये वाले सारे क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस हो चुके होंगे। अब जो एक कमेंट सेक्शन में जो डाउट आया था ना, एक बार वो देख लेते हैं। डाउट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये जो गोल्डन लंगूर्स होते हैं ना, यहाँ पर फोर्स्ड अबॉर्शन भी होता है और इन्फेंटिसाइड भी होता है। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना उसको किल कर देना। साइड वर्ड किलिंग के लिए यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, किल करने के लिए, ठीक है, जेनोसाइड। फोर्स अबॉर्शन मतलब द बेबी हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड येट एंड किलिंग दैट बेबी इनसाइड द वूम्ब, गर्भ के अंदर ही उसकी हत्या कर देना। तो ये चीज़ गोल्डन लंगूर्स के अंदर भी देखने को मिली है कि वहाँ पर भी फोर्स एबॉर्शन होता है। न्यूज़ में क्या है, देखो गोल्डन लंगूर जो है ना एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है ना। ये असम में और जो भूटान के पार्ट्स होते हैं ना वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स एबॉर्शन देखने को मिला है। प्राइमेटोलॉजिस्ट जो कि प्राइमेट्स को स्टडी करते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो गीज़ होते हैं, बेसिकली गोल्डन लंगूर को गीज़ भी बोलते हैं, ये एंडेमिक होते हैं सेमी एवरग्रीन और मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट के अंदर, जो कि इंडिया और भूटान में पाया जाता है। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर लंबे समय तक एग्जिस्ट करना, ठीक है ना। दे इंड्यूस द स्टिल बर्थ ऑफ बेबीज किल्ड इनसाइड द वूम ऑफ फीमेल्स बिसाइड्स प्रैक्टिसिंग इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब छोटे बच्चे को मार देना। इन स्टिल बर्थ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में जो लॉस जाता है ना बच्चे का, उसको बोलते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टिल बर्थ भी होता है, बेबीज़ को फीमेल की वूम्ब के अंदर भी मार दिया जाता है। किसके द्वारा? मेल गोल्डन लंगूर्स के द्वारा। तो फीटिसाइड जो होता है ना ये नेचुरल वर्ल्ड के अंदर ये क्वाइट डिफरेंट होता है। देखो पहली बार क्या हुआ था कि जो गोल्डन लंगूर्स थे ना, एक फीमेल थी गोल्डन लंगूर की, ये एक 15 फीट हाइट से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसके एक इलेक्ट्रिक वायर था। अब इसको समझने के लिए तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको, किलर वायर्स क्या होते हैं, ठीक है। हनुमान लंगूर्स होते हैं ना एक, ये तो गोल्डन लंगूर्स ज़्यादा एडेप्ट कर चुके हैं। बेसिकली ये ट्रीज़ के कैनोपी के ऊपर ट्रैवल करते हैं। जो गोल्डन लंगूर्स होते हैं ना, पेड़ का जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है वहाँ पर ही चलते रहते हैं। तो जो फॉरेस्ट वगैरह के जो रीजन्स होते हैं, ये जो रिवर रीजन्स होते हैं ना जहाँ पर ही मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र है, मानस वगैरह है, संकोश वगैरह हैं, इस रीजन के जो ट्रीज के कैनोपी होते हैं ना वहाँ से इलेक्ट्रिक वायर्स पास होते हैं। तो जो गोल्डन लंगूर्स थे उन्होंने तो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर जाएंगे तो कैसे बचना है। ये हनुमान लंगूर ने अडॉप्ट कर लिया, सॉरी गोल्डन लंगूर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जनरली ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। रिसेंटली भी एक केस देखने को मिला था जहाँ पर एक फीमेल गोल्डन लंगूर थी, वो ऊपर से पास करी थी, उसने इलेक्ट्रिक वायर को टच किया और उसके कारण उसकी डेथ हो गई, क्योंकि 15 फीट से नीचे गिरी थी, उसके लिम्स वगैरह थे, हाथ पैर जो था जल गए थे, उसकी डेथ हो गई थी 24 आवर्स के अंदर। उसने एक स्टील बेबी को बर्थ दिया था। स्टील बेबी का मतलब होता है एक डेड बेबी को, ठीक है ना। तो इसके कारण चीज़ ये होती है कि इन्होंने कहा था कि किलर वायर्स को जैसे डिफाइन किया था। अब जेनेटिक इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो उन्होंने ये चीज़ थोड़ी समझने की है। जनरली दो तरह के ग्रुप्स में मिलते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप होता है वहाँ पर सारे के सारे मेल्स होंगे और दूसरा जो ग्रुप होगा वो बाइसेक्सुअल ग्रुप होगा, ठीक है। एक जो बाइसेक्सुअल ग्रुप्स होता है ना उसके अंदर एक मेल होता है और उसमें 4 या 5 फीमेल्स होती हैंगी, ठीक है। और एक होता है 2 मेल्स होते हैं उसमें मल्टीपल फीमेल्स होती हैं, ये मल्टीपल मेल्स होते हैं मल्टीपल फीमेल्स होते हैं फीमेल्स के साथ में। जनरली एक ग्रुप के अंदर एक जो मेल लंगूर होता है ना गोल्डन लंगूर वो डोमिनेट करता है, ठीक है ना। तो मतलब कि एक जो मेल लंगूर होगा वो मल्टीपल फीमेल लंगूर्स को एक्सेस कर सकता है मेट करने के लिए, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, एक मेल डोमिनेंट लंगूर जो होता है। अब क्या होता है कि जो डोमिनेंट होता है ना उसको पता है कि वो अकेला है, वो इतने सारों को एक्सेस कर सकता है, तो वो किसी दूसरे मेल लंगूर को इन फीमेल्स को एक्सेस नहीं करने देता। जस्ट इन केस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर कोई दूसरा नया मेल लंगूर आ जाता है ना वो इन फीमेल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो ये जो मेल लंगूर्स होते हैं इनकी आपस में फ़ाइट भी होती है। अगर इस मेल लंगूर को आइडिया लगता है कि इनमें से कोई भी फीमेल लंगूर जो है वो इस मेल के कारण अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये मेल लंगूर उनका फोर्स्ड अबॉर्शन कर देता है। कैसे करता है? उनके वूम्ब के ऊपर, उनका जो गर्भ होता है उसको
मतलब दे फाइट, जो मेल लंगूर होता है वो फीमेल लंगूर के साथ फाइट करता है और उसका फोर्स एबोर्शन कर देता है। ये देखने को मिलेगा, मैं इसको डिटेल में ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है ज़्यादा डिटेल में, लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पहले देखी हुई हैगी। आप क्यूरियोसिटी स्ट्रीम होती है ना, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम करके एक ऐप है, उस पर जाना आप, उसमें एक, या फिर आप गूगल यूट्यूब के ऊपर देखोगे ना, उसका आपको ट्रेलर देखने को मिलेगा। एक फ़र्स्ट ह्यूमन करके एक सीरीज़ है उनकी, एक डॉक्यूमेंट्री है फर्स्ट ह्यूमन करके, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली दिखाया था कि कैसे हम लोग इन मंकीज से, चिंपांजी, एप से हमारा इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और कहाँ से हमारे अंदर ये जो डोमिनेंस का होता है ना मेल के अंदर, ये जो डोमिनेट करने का, ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है कि किस तरीके से हम जो मेल होते हैं वो फीमेल के ऊपर डोमिनेशन एक्सप्रेस करते हैंगे। तो ये वहाँ पर दिखाया गया एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इस चीज़ की, तो तब आप समझ जाओगे। तो अब आप फोर्स एबॉर्शन और स्टिल बर्थ जो थे थोड़े से डाउटफुल चीज़ें थी यहाँ पर, होपफुली आप समझ गए होंगे इसके बारे में। सिंस ये न्यूज़ में था जून मंथ के अंदर ये जो टॉपिक था, तो आपको इसका IUCN स्टेटस वगैरह और ये सब मालूम होना चाहिए, कौन से रीजन में मिले जाते हैं। अब असम और भूटान का रीजन काफ़ी प्रेवलेंट है इनके लिए। ऑल राइट, बहुत सारे जूसी लीव्स के ऊपर ये सर्वाइव करते हैंगे, ठीक है। भूटान में 2019 में इनका एक 62% पॉपुलेशन का ड्रॉप देखने को मिला था, अगर हम 2-10 साल के गैप के अंदर इनकी पॉपुलेशन जो है वो 62% ड्रॉप कर दी गई थी, और इस बार का सेंसस हो नहीं पाया क्योंकि कोविड 19 का लॉकडाउन चल रहा है इसलिए।